तो ये देखिए, दूध जो है हमारा बॉईल हो चुका है, दूध में हमारा बॉईल आ गया है। सो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मेरे पास है हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी है, टर्मेरिक, और छोटा सा मेरे पास अदरक का पीस है, एंड दालचीनी और हरी इलायची, तो उसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है। सो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। हल्दी, अदरक, दालचीनी, इलायची, एंड एट सम मेरे पास है हनी, तो 1 टेबल स्पून जो है हम हनी ऐड करेंगे दूध में। ठीक है, तो अब ये सब हम जो हमारा दूध बॉईल हो गया है हम उसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, दूध में बॉईल भी आ रहा है, और ये देखिए सब मैंने जो है सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। नाउ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हनी शहद। तो नाउ आई ऐड सम हनी। इसको हमें देर तक पकाना है, 5 से 6 मिनट्स तक जो है हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। जो एक थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, हल्की सी बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, उसके बाद ये टर्मेरिक मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। और ये देख सकते हैं हमारा हल्दी दूध जो है वो रेडी हो चुका है। सो नाउ हम इसको छान लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 ग्लास रख दिए हैं, अब मैं इसको जो है वो छान लूँगी। ठीक है, वो ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो हल जो है हमारा गर्मा गर्म रेडी हो चुका है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। बच्चों के लिए जो है वो खांसी, नज़ला, रनिंग नोज़, एंड बड़े बूढ़े, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबके लिए बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल मिल्क है। सो सर्दी में जो है वो सीना भर जाता है, खांसी आती है, सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन मुझे बताइएगा कि कैसी है हमारी रेसिपी। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट रेसिपी में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।